हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एस पी रियल टिप्स में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी फेसबुक रील्स में इफेक्ट कैसे लगाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर रील्स वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या फिर अपलोड करते हैं तो दोस्तों आप अपनी फेसबुक रील्स में अच्छे अच्छे इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी रील्स वीडियो और भी अट्रैक्टिव हो और भी शानदार हो। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि फेसबुक रील्स में इफेक्ट लगाते कैसे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको टॉप के साइड में यहाँ पर रील का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, या फिर आपको जस्ट स्टोरी के नीचे यहाँ भी आपको रील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर दोनों साइड में आपको रील का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप इस थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करिए और थोड़ा स्क्रॉल करिए तो यहाँ भी दोस्तों आपको रील का बटन शो हो जाएगा। तो आप जो चाहे वहाँ से आप इस रील के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने रील्स वीडियो पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमें एक रील्स क्रिएट करना है। तो दोस्तों आपको सिंपली टॉप साइड पर जाना है, इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट में तो कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, यानी लाइव रील को क्रिएट कर सकते हैं अपना ओपन कैमरा करके, या फिर आप अपनी गैलरी से भी कोई रील्स वीडियो सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कैमरा कर लेता हूँ। जस्ट उसके बाद आप इस इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल कीजिए। जैसे आप इस थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक के अच्छे खासे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जो मर्जी इफेक्ट आपको पसंद आ जाता है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी गैलरी की वीडियो में भी अच्छे खासे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो आप अपनी लाइव वीडियो में इफेक्ट लगाना बता दिया। अब चलिए मैं आपको अपनी गैलरी से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करके बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए गैलरी से कोई भी वीडियो सेलेक्ट करते हैं और उसमें इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ भी आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा। सिंपली इस इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए। सेम वही तरीका है, यहाँ आप थोड़ा साइड में स्क्रॉल करिए तो यहाँ भी आपको अच्छे खासे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो मर्जी यहाँ से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कोई भी आपको एक इफेक्ट ऐड करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमें कोई अच्छा सा इफेक्ट जो आपको पसंद लगे वो इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक इफेक्ट ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको टॉप साइड में यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा। सिंपली नेक्स्ट के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। बस इतना करने के बाद ये इफेक्ट आपके वीडियो में ऐड हो जाता है। जस्ट उसके बाद आप इस वीडियो में जो भी आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर हैशटैग वगैरह यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन और देखने को मिलेगा, इनेबल रिमिक्सिंग का। अगर आप ये टॉगल बटन को यहाँ से इनेबल कर देंगे तो दोस्तों कोई भी बंदा आपके साथ इस रील वीडियो के साथ डुएट कर सकता है। उसके बाद आप इस रील वीडियो को यहाँ से कर दीजिए शेयर। शेयर करने के बाद दोस्तों आपकी रील्स वीडियो और भी अट्रैक्टिव होगी, जिससे आपकी रील पर अच्छे खासे व्यूज़ आने की पूरी संभावना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और हाँ, फिर भी अगर आपकी रील्स में इफेक्ट का बटन शो नहीं हो रहा है तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी रील्स वीडियो में इफेक्ट शो करवा सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।